पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 28 अगस्त से हड़ताल में हैं। नव प्राथमिक विद्यालय बिरडी खूंटी प्रखंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की पठन पाठन की सारी प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं। मेरा शिक्षक हड़ताल में है। तो अभी तुम लोगों को कौन पढ़ा रहा है? हम लोग अपने से पढ़ते हैं। जब हड़ताल हुए उस समय से खाना नहीं मिलता है। विद्यालयों में पठन पाठन के कार्यों को चलाने एवं मध्याह्न भोजन नियमित चलाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक खूंटी के निर्देश पर स्कूलों में 52 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हूँ, ऊपर से ही आदेश मिला है बीओ की तरफ से, इसलिए आई हूँ। तो आपको इस स्कूल में कौन कौन से परेशानी हो रही है? यहाँ पर सभी चीज चावल और दाल कुछ भी नहीं, पैसा सब माइनस में है, इसलिए मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा है। बच्चे शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण पठन पाठन के कार्यों को खुद संभाल रहे हैं। अधिकांश विद्यालय में उनके दरवाजे पर ताला लटका है। बच्चे अपने शिक्षक की इंतजार में यूं ही विद्यालय प्रांगण में बैठे रहते हैं। स्कूल में जब से हड़ताल हुआ ना, तब से मास्टर का आए हुए हैं और मांडे तो को का को नाम दिया उनको ठेक लेगा आपको भी को दुख दिन और आपको भी को छुट्टी दिन बे टाइम रे स्कूल को ही जुए और बे टाइम रे आओगे आपको हमार जी छुट्टी सो बिना आपको भी। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि प्राथमिक मध्य एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पठन पाठन की क्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सरकारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज मेरे आदिवासी इलाके के सुदूर क्षेत्र के विद्यालयों में पाठन पाठन की सारी प्रक्रियाएं ठप हैं। मैं अमिता झारखंड के खूंटी जिले से इंडिया अनहर्ड के लिए।